ओम शांति। आज है 18 जून 2021। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत व सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत व सेवा करो। प्रश्न, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। उत्तर, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिकर नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतोप्रधान बनाना है। दूसरा, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूरत भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूरत बनना। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति।